मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पवे जगत के दलदल से संसार के दंद फन से परिभ्रमण के किचकिच से कोलाहल से थोड़ा खाली समय निकाल कर खाली दिमाग रख कर शांति से कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आज सुबह भी मैंने कहा था क्या साइंटिस्ट क्या फिलोसोफर्स सबका लाइफस्टाइल एक ही होता है, खोज में वे अपना पूरा जीवन की पूरा इतिश्री उनकी अथ से इति तक का पूरा जीवन उनका एक इज फुल ऑफ एडवेंचर्स और स्वांता सुखाय स्वयं के सुख के लिए ही करते हैं, उनको प्रसिद्धि का कुछ भी नहीं होता है, साइंटिस्ट को भी बिल्कुल नहीं होता है। तो शरीर के प्रति ध्यान दोनों का हटता है। ओके देखिए एक सामान्य कंसेप्ट था, जब बगीचे में शांति से बैठे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एप्पल ऊपर से गिरा है एक सामान्य एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं है कुछ जो एकदम हटकर हुआ, ऐसी एकदम कॉमन एक्टिविटी है ये। लेकिन उस कॉमन चीज में अनकॉमन चीज को देखना और जगत को दिखाना, जदिदाये जपमानम शुद्धात्मानुभूति करना और दूसरों को भी आत्मा दिखाना। मैंने आत्मा देखा है नियविहवेण और मैं तुमको भी वही दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे तो ये कहना है, मैं थोड़े दिन पहले कहा था जो शोध खोज वाले होते हैं वे तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ उखाड़ के परीक्षण इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड द थिंग्स विच हैव बीन वेरी सुपरफिशियल व्हाई आर दे सो फार हिडन टू अस देन। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? जो दबी हुई चीज है वो उसको तो हम हजारों किलोमीटर नीचे जाकर हम गाड़ के माइंस में देखते हैं क्या क्या है। द थिंग विच इज वेरी सुपरफिशियल एट द सरफेस, व्हाई इज इट सो फार हिडन टू अस देन। आप समझ रहे हैं? शांति से थोड़ा विचार करो, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, साधारण एक्टिविटी थी, कितना बड़ा साइंस उसने डिस्कवर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स W=mg, एसिलेरेशन इन, और सब जितने भी मैथमेटिक्स है वो सब, यदि जी नहीं है आपका तो विदाउट न्यूटन्स दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू कांट कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते तुम। ओके निदर रिवॉल्यूशन एनीथिंग कुछ भी नहीं हो सकेगा तुम्हारा। ओके उसके लिए आवश्यकता है कुर्सी लगाकर शांति से बैठने की, बीच बगीचे में कोलाहल से हटकर। एक थोड़ा सा लेजर हमें भी मिलता है, लेजर समझते हो LEISURE, थोड़ा खाली टाइम हमको भी मिलता है। आर्किमिडस को मिला, वो बाथिंग टब में जैसे गया बहुत शांति से, वो एक एक एक्टिविटी पे थिंकिंग करते हैं ये साइंटिस्ट लोग, कितनी साधारण बात है, रोजाना हम करते ही है। जहां पर हमने हाथ डाला, अरे हम इतने पडल्स हो जाते हैं बरसातों में, हम पैर रखते हैं तो पानी उछट जाता है,
अरे कोई गाड़ी निकलती है, निकलने को है, हम एकदम दूर दौड़ के खड़े हो जाते हैं, हम समझते हैं वहां पर कोई चीज जाएगी तो वो उतनी बाहर निकलेगी। रोज की एक्टिविटी है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होएगा, बॉयंट इफेक्ट खड़ा कराएगा, करेगा वो, और इससे कितने कितने मेजरमेंट के कितने कितने डिस्कवरीज होगी इसको लेकर, कितने विचार करने की बात है ये। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, कीन ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, जानना कुछ नहीं है, वस्तु का स्वभाव जानना है। क्या करना है? वस्तु का स्वभाव जानना है। मैं थोड़ी फिजिक्स की बात अभी चल रही है मेरी, फिजिक्स की, और फिर मैं एकदम आकर जुड़ूंगा यहां पर। ओके, जानना हमको वस्तु का स्वभाव है। उनने जाना वस्तु, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड तो इट कम्स डाउन ओनली, इट डजंट गो अप। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, कोई फील्ड होगा नीचे, जो भी होगा, मैं जो उसमें नहीं उलझना। मुझे तो इतना ही कहना है कि कोई भी वस्तु है उसका अपना अपना नियत स्वभाव है, नेचर है उसका, प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, और उसकी स्वतंत्र एक अस्तित्व भी है उसका, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एंटिटी, ENTITY, एंटिटी, अस्तित्व। उसका एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व है और उसके उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। ओके, वेरी फॉर शॉर्ट एग्जाम्पल अपन थोड़ा विचार करें, कोई चीज है तो मान के चलो एक वुडन ब्लॉक है, छोटा सा वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है, एंड दैट इज इन द वुडन ब्लॉक है, कोई वुडन ब्लॉक समझे, वो जमीन पर पड़ा है, ठीक है, अब तो एक वेसल में नीचे रख दिया। अब उस वेसल में पानी भरते जाएंगे तो वुडन ब्लॉक भी ऊपर 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 आता जाएगा। ओके ओके, अभी देखिए वस्तु का नेचर मुझे बताना है, इसको बॉयंसी, फ्लोटिंग नेचर है उसका, फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। अभी देखिए कोई दो प्रकार के जीव खड़े करो दिमाग में, मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं? हाँ, हाँ, वस्तु के नेचर को जानो। आज करोड़ों नहीं अरबों के बिजनेस हो रहे हैं, That all are dependent on the study of the nature of the material. Okay? क्यों? लोहा है, एक ग्राम लोहा, वो पानी में नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रणव, जाएगा जाएगा जाएगा। 10 ग्राम वुडन ब्लॉक है, वो क्या होगा? वो फ्लोट होगा। बात ग्राम की नहीं थी, बात तो डेंसिटी की थी यहाँ पर, आप तो जानते ही हो सब, मैं तो उसको पढ़ाना भी नहीं है। मुझे तो ये कहना है दिस इज नथिंग बट फिजिक्स ओनली माय डियर यार, जैन ये साइंस है। अब मुझे तो क्या बताना है, समझो क्या कमाल है उस बुद्धि की, कितनी दाद देनी पड़ेगी उस तरकना ताकत की, शैली की। अब मैं आपको एक जादू करके दिखाता हूं। मैंने अभी अभी कहा 1 ग्राम आयन दैट सिंक्स इन, सिंक्स कहते ना इसको, दैट सिंक्स इन, एंड 10 ग्राम ऑफ वुडन ब्लॉक दैट इज फ्लोटिंग। कैन यू इमेजिन ऑफ मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ जगलरी इन विच नॉट अ सिंगल ग्राम ऑफ आयन बट हजारों टन ऑफ आयन कैन फ्लोट शिप्स। ओके, और शिप पर कितना मोनो डाला जा रहा है, उस जहाज का वजन कितना होगा? उस जहाज का वजन तो 10% भी कहूंगा तो बहुत हो जाएगा वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाज का वजन कितना और उसके ऊपर कितना भार डाला जा रहा है, ये सब दिमाग की बात है। वो दे नो द नेचर किट फ्लोट्स, और वो 1 ग्राम भी लोहा डूबता था और हमने हजारों टन उसको तैरता किया है, उसके बीच में बस एक लकड़ी डाल दी है, हमने नेचर जाना है और नेचर को कभी भी वो बाधा नहीं आता। गेटिंग एवरीथिंग, एवरीवन इज गेटिंग। कोई दो आदमी ऐसे ले लो आप, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ बोले क्या आप? नहीं, मैं आई एम नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद साइंस, समझ में आया? मैंने पढ़ाई भी लेता हूं इसकी, मैं तो एक जितना पूछा ना मैंने
मैं तो मुश्किल से दो तीन तीन चार महीने के बाद एक हद कोई प्रश्न मुझे पूछती है तो मुझे कुछ देखना पड़ता है, लेकिन जब भी देखता हूँ तो फिर मैं अच्छे से रीडिंग करता हूँ। चलो मुझे तो क्या कहना है, अभी देखो मुझे तो ये कहना है कि दो प्रकार के आदमी लो अभी तुम। एक ऐसा आदमी है, एक वुडन ब्लॉक की बात है, तो वुडन ब्लॉक रखा है टैंक में नीचे एट द क्या कहेंगे फ्लोर ऑफ द टैंक, क्या कहेंगे उसको, बॉटम पर टैंक के रखा है वो वुडन ब्लॉक, उस पर किसी ने हाथ रख दिया, पानी भरे जा रहे भरे जा रहे, पूरा भर दिया। अब मेरा ये प्रश्न है, वो वुडन ब्लॉक तो ऊपर नहीं आएगा अभी, क्या उसका नेचर नष्ट हुआ है उसमें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या प्रमाण है? सब मैं कह रहा हूं ये इसका नेचर नष्ट हुआ है, ये नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। ये कौन कह रहा है? हाथ ऊपर उठाओ, और वही हाथ ऊपर उठाओ जो जिससे तुमने उसको दबाया है। जैसे हाथ ऊपर उठाओगे जितने जितने डिग्री में, उतने उतने डिग्री में तुम्हारा हाथ नीचे ही जाता जाएगा फिर से। तुम समझ रहे? एक आदमी तो ये लो जिसने दबा रखा है, हम कह रहे तब भी उसका फ्लोटिंग नेचर अभी भी है। और सेकंड अपन लो, सेकंड आदमी ऐसा है जो लकड़ी के नीचे हाथ रखे ब्लॉक के, और लकड़ी जितने स्पीड में ऊपर आ रही है उतनी स्पीड में वो हाथ ऊपर ले रहा है नीचे से। मैं दो आदमी ले रहा हूं, आप कोई दूसरे आदमी की कोई थिंकिंग बोल सकता है मुझे, और दोनों की सिमिलैरिटी बोल सकता है? बोलो, तुम बैठे बैठे बोलो, नो टाइम। हाँ पहला छोड़ो, हाँ दूसरा इसका नेचर खत्म हो गया। हाँ मैंने, हाँ मैंने उठाया, और दोनों में यह भ्रांति पल रही है कि अपनी योग्यता से नहीं उठ रहा है। ओके, तो कहते इसका नेचर नष्ट नहीं हुआ है, इसको तुम्हारे हाथ की आवश्यकता नहीं है, दबने के हालत में भी उसका नेचर नष्ट नहीं हुआ है, उसके अभिव्यक्ति नहीं होने दी जा रही है। दैट्स ऑल, तुमने मुंह बांध कर उसको डिबेट में खड़ा कर दिया है और उसको वो फेल कर दिया है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। समझ में आ रहा है? तुमने उस पर हाथ रखने की दरकार समझी है, इससे बढ़कर प्रमाण क्या चाहिए कि तुमने उसकी आवाज दबाई है? समझ में आता है? हम ये कह रहे नेचर उसको कहते हैं जो जिसमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ब्लॉकिंग हुआ तो वो नेचर नेचर कैसे प्रकट नहीं होगा? नेचर तो उसमें है। एवरीवन इज गेटिंग ना? मैं तो क्या कह रहा हूं, यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं वे अपने नेचर को नहीं छोड़ती है कभी भी। ठीक है, सिंपल बात यह हुई। साइंटिफिक ही मोड कुछ और थोड़ा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं आता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी एकदम स्ट्रॉन्गर बने। देखिए, नाली का में पानी बह रहा है, ओके, ऊपर डिस्टिल्ड वाटर का एक डक्ट चल रहा है, कॉलम्स वगैरह कुछ चलते हैं, कंपनीज में फैक्ट्रीज में देखे होंगे सब ऐसे पाइप सब यहाँ वहाँ सब चलता रहता है। एक नाली का पानी है और यहाँ पर भी एक डिस्टिल्ड वाटर बह रहा है। क्यों? ये डिस्टिल्ड वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। ये नाली के वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। दोनों भी H2O ही है। मुझे तो कुछ बात कहनी है, वो पानी तो पानी है, H2O इज H2O, उसका फॉर्मूला थोड़ी बदलता है गंदा और पीला और नीला पीला पानी का। पानी तो पानी है, उसमें इंप्यूरिटी तो कोई बात ही नहीं, घुसने की कोई बात ही नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी को वो सिक्योर करता है। गेटिंग? अभी कमिंग क्लोजर, मैं बीच में और एक बीच में बात बोल दू। जैन ग्रंथ में दो शब्द मिलते हैं, उन्मग्ना निमग्ना, that which sinks that is nimagna, that which floats that is unmagna। समझ में आता है आपको? ये बीच में जाते जाते एक जानकारी दे दी, फिर आपको कभी ये तिलोय पंडिति ग्रंथ है, ऐसे थोड़े से ज्योग्राफिकल डाटा वाले आएंगे, तत्व और सूत्र की टीका है उसमें आपको मिल सकता है। अभी देखिए, मैं कहां तक आया था, H2O की बात हुई, अब हो गए तो यहां पर अटेंशन दीजिए। अभी देखिए, पानी इज नथिंग बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, पानी इज नथिंग बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड।
ठीक है, उसमें दो हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मिलेगा, इस हिसाब से काम चलेगा, तो फिर वो ऐसा वाटर होता रहेगा। अब मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता उसमें, मुझे तो क्या कहना है, देखो आगे मुझे तो यह कहना है कि खरे खरे विचार किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज नहीं है इस जगत में। दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी एक्चुअली। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप ध्यान से समझना। केमिस्ट्री तो ये बोलेगा ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन रूप नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूप नहीं होता, लेकिन मुझे तो कुछ बात कहनी है। उससे पहले और थोड़ा खोलो, कठिन नहीं होएगा, ध्यान दो, थोड़ा साइंटिफिक मोड है अपना। मैं ये कह रहा हूं कि वाटर है, वाटर उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अभी नाली और डिस्टिल्ड का अपना हटाओ एग्जाम्पल, नाउ अदर एग्जाम्पल टेबल पर लाओ। अभी H2O वाटर होता है, कैन यू, अतः मैं क्या बोलूं इसको, इज इट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म? तीनों में हो सकता है। हमारी आम भ्रांति क्या है, H2O वाटर, दिस इज वाटर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज आइस अपन ये कहते हैं। आइस को कोई दूसरा फॉर्मूला थोड़ी बना है, आइस को फॉर्मूला है क्या कोई, स्टीम का कोई फॉर्मूला है क्या? दैट इज ऑल्सो वाटर ओनली। दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ द सेम वाटर, बट लिक्विड को वाटर कहते तो हम क्या करें? मैं कुछ कहना चाहता हूं समझ लो, तो क्या डिफरेंस है जब बीइंग द सेम मटेरियल व्हाट चेंज हैज बीन ऑकर्ड, तो कि स्टेजेस अलग अलग दिख रहे? कुछ नहीं, एटॉमिक अरेंजमेंट हैज बीन चेंज्ड। क्या कहा, समझ में आता है? तुम समझ रहे हैं? व्हेन इट व्हेन वो बॉन्ड एकदम पास आएगा, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, आइस। थोड़ा लूज चला जाएगा, इट विल बी लिक्विड फॉर्म, जिसको वाटर कहते हैं। एक्चुअली वाटर तो सभी ही है। और फिर और लूज चला जाएगा तो दैट विल बी स्टीम। नथिंग हैज चेंज्ड, एटॉमिक अरेंजमेंट हैज चेंज्ड, एंड दैट हैज लेड टू द चेंज इन द स्टेट्स। कितने जन समझ रहे हैं मेरे बात को? अब मैं एकदम सूक्ष्म चर्चा करूंगा। देखो, नाउ कमिंग इवन मोर क्लोजर, देखो मैं अभी जो प्रकरण अभी 2-5 मिनट पहले उठाए थे उसको फिर उठाता हूं। मैं कुछ कह रहा था, बोलो। मैंने कहा इसको पहले सेटल करते हैं। मैं कुछ कह रहा था और एक नहीं ज्ञान, मैं ये कह रहा था साइंस से कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने एलिमेंट्स हैं। व्हाट हैज जैनिज्म टू से अबाउट दिस? जैनिज्म को क्या कहना है, कितने एलिमेंट्स है? कहते हैं एलिमेंट जिनको तुम हाइड्रोजन कहते हो, जिनको तुम ऑक्सीजन कहते हो, इनका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये स्कंद है, स्कंद। और जो आज हाइड्रोजन है, नेक्स्ट मोमेंट में दैट विल बी ऑक्सीजन ऑल्सो। ओके, हम तो क्या कहते हैं, लाखों वर्ष तो H2O पानी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रूप रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रूप रहता है, एक दूसरे रूप होते नहीं है। हम जो बोलते हैं दैट इज एकदम स्थूल कथन। अभी तुमको जच रही कि नहीं मुझे बताना। मैं क्या कह रहा हूं, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक स्कंद है गैस, क्योंकि मूल तो पुद्गल में, मूल द्रव्य तो परमाणु है, एंड परमाणु कभी दूध रूप नहीं है, पानी रूप नहीं है, पेट्रोल रूप नहीं है, डीजल रूप नहीं है, कोयला रूप नहीं है, फर्श रूप नहीं है, कुछ भी ना, उसको तो कुछ कहना ही ठीक नहीं है। तो इज इट सॉलिड लिक्विड, डोंट आस्क जर्विस क्वेश्चन, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये भी पूछो मत। परमाणु, समझ में आती है? हम तो इतना भर कहना चाहते हैं कि तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है? वो पर्टिकुलर एटॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, एंड पर्टिकुलर एटॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। पर्टिकुलर कुछ नहीं होता, मात्र एटॉमिक अरेंजमेंट बदलती जाती है। एटॉमिक मतलब यहां पर अभी जैन शासन के हिसाब से परमाणुओं की संख्या, उनकी दूरी, नजदीकी घटेगी तो दैट विल बी हाइड्रोजन, दैट विल बी ऑक्सीजन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। और वही बिखरे तो दैट स्कंद विल बी गेट गॉट कन्वर्टेड इनटू द अदर स्कंद, देन हाइड्रोजन विल गेट चेंज्ड इनटू द ऑक्सीजन एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन। कितने जन समझ रहे हैं अभी? मैं फंडामेंटली ठीक बोल रहा हूं?
फंडामेंटली मैं ठीक बोल रहा हूं क्या कि कुछ स्खलन हो रहा है? कुछ स्खलन नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर तुम लोगों को लग रहा होगा स्खलन हो तो या तो फिर मुझे बताओ या तो फिर मेरे बुद्धियानुसार आप चेंज कर लो। आपके मुझे तो क्या कहना है, ये जैनेतर में वैशेषिक मत एक है, जैनेतर में वैशेषिक मत एक ऐसा है जो ये कहता है पृथ्वी के परमाणु अलग है, जल के परमाणु अलग है, वायु के परमाणु अलग है, और वायु के परमाणु ही वायु रूप होते हैं, जल के परमाणु ही जल रूप होते हैं। जैनिज्म क्या कहता है कोई बताएगा मुझे? जैनिज्म क्या कहता है कोई बताएगा? अब टेक योर ओन टाइम, पहले लिखो जिनको लिखना है, फिर बोलेंगे अपन। जैनिज्म इसमें क्या कहेगा बोलो? जैनिज्म बोलेगा कि जो परमाणु है वो किसी स्वरूप नहीं होता है, जो इसका अंदर वो जल के रूप होगा। नहीं अभी ये प्रकरण नहीं है वैसे, अभी तुम बोलो। परमाणु तो सारे बिल्कुल सेम ही हैं, पर संख्या में डिफरेंस होता है कि एक यहाँ पे जाएगा मतलब। ये जल का परमाणु, ये पृथ्वी का परमाणु, ऐसा होता ही नहीं है। कोई परमाणु पर सील लगी ही नहीं है, उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व कांश घटेगा बढ़ेगा, उससे सब चेंज होता जाएगा। वो कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इससे सब चेंज होता जाएगा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, पर्टिकुलर नियरनेस के अरेंजमेंट को, उसको कहेंगे हाइड्रोजन, पर्टिकुलर के ऑक्सीजन को, और फिर उनकी भी आपसी में अरेंजमेंट को, तो दैट विल बी कॉल्ड वाटर, वाटर में भी गैस स्टेट, लिक्विड आदि 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 आदि। ओके, कहने की बात मेरी इतनी सी सिद्ध हुई अभी। निष्कर्ष मैंने क्या बनाया कोई बताओ? कोई बताओ निष्कर्ष? किसी भी वस्तु का नेचर समझो, देन नथिंग विल गो रॉन्ग। हमने समझा परमाणु रूपी होता है, ये तो आकार प्रकार सब, ये कलाकारी, ये सब दिस इज लाइक अ टॉय, क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर एक गेम होता है इसमें फ्रेगमेंटेड, ये सब वो क्या कहते हैं उसको, गेम्स को बिल्डिंग बनाए, उसको बिखेर दिया, फिर उसको बना दिया जेब्रा, बना दिया उसको बिखेर दिया, अरे देख पजल, पजल कहते हैं उसको, चिपकाते जाओ एक 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 प्लास्टिक का, चिपकाते जाओ कितने आकार बनते हैं, लिसन द एग्जाम्पल, कितने आकार, दिस इज जिराफ, दिस इज दिस थिंग, दिस इज नॉट जिराफ, this is a particular arrangement of the atoms, atom matlab wo fragments, this is abhi abhi kisi ne aisa kiya tha, wo aisa aakash mein dikha rahe the, bilkul machli ke aakar ke pakshi, machli nahi hai, machli ke aakar ke ve pakshi hai hazaron, phir gymnasium mein 26 january 15 august ke din kitna karte hain aadmi, ye aadmi ka particular samuh upar se dekho to that is like plane, that is like flag, that is, to this is a flag, this is not a flag, abhi arrangement badlo, ab mere paas ek film hai, kisi ko dekhna chaho to ye bhi main dikhaunga, wo ek aadmi hai, wo ekdam aapko ye lagega, ye wo ekdam cradle ban jata hai, cradle kehte hai usko, jhule ko, झूला एकदम, वो झूला ही दिखने लगता है हमको दूर से, एकदम उठकर खड़ा होता है, फिर ऐसे दूर से एकदम वो टेम्पल ही दिखने लगता है हमको। एक 5-10 मिनट की मेरी फिल्म है वो मेरे पास, बिल्कुल अपने को ऐसा लगता है दूर से कितने कितने आकार प्रकार बना रहा है, और हमको लगता है ऑब्जेक्ट ही बदल गया। तो ये एटॉमिक अरेंजमेंट बस बदलता है यहां पर। कोई भी वस्तु अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं छोड़ती, उसका पर्टिकुलर समूह में पर्टिकुलर आकार प्रकार दिखता होगा, लेकिन प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती और अपने गुणधर्म भी नहीं छोड़ती, और प्रत्येक वस्तु अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, बिकॉज न्यूटन्स कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ है, अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पूरा करो बात को, तुम बोलो बोलो, हाँ फालतू कामों में उलझता है क्या तू, अब फालतू बच्चों में उठता बैठता है क्या थोड़ा कभी कभी, नहीं तो फिर क्यों पिछड़ क्यों रहा है, तुम बताओ, अ थिंग कैन, नॉन क्रिएटिव,
इन केमिकल रिएक्शन, ये कहाँ पर पढ़ा तुमने? ऐसे पुस्तक में लिखा है? हाँ हाँ, डाल्टन्स थ्योरी है, अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आगे कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? A thing can neither be created nor destroyed, but just be transferred from one form into the other. Law of conservation of energy, वो तो है ही, वो तो है ही, एक अलग चीज है वो, छोड़ो. मुझे तो क्या कहना है, वो क्या कहते, पूरा just can be transferred, ऐसे कहते क्या? But अपन थोड़ा उसमें संशोधन करेंगे अभी. It can't even be transformed, because it gets transformed. ये तो ट्रुथ है. क्या क्या? इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, दिस इज द ट्रुथ, बट इट कांट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सम अदर एक्सट्रीम पावर. आप समझे, ऑन इटसेल्फ होगा उसका, जो भी होगा. प्रत्येक वस्तु ना उसका ना वो उत्पन्न होती है, ना उसका नाश होता है, ऐसा होने पर भी उसका परिणमन परिणमन चलता रहता है. और सभी वस्तुएं ऐसी ही जगत की, समझ में आता है? तो टोडरमल जी कहते हैं, ये प्रकरण क्यों मैंने इतना खोला कोई बताएगा? टोडरमल जी कहते हैं, मिथ्यात्व से परेशान है, देह में अपना अस्तित्व मानता है, बीवी बच्चों में अपना अस्तित्व मानता है. बाबा दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती, आत्मा है अनात्मा रूप नहीं होता. तो कहते मोह को हटाने का क्या उपाय है? तो आज सुबह हमने 2-3 पॉइंट देखे थे, जिसमें वो ग्रहित मिथ्यात्व भी करता है, फिर कभी यथार्थ मार्ग में भी आता है, तो फिर वो व्यवहार व्यवहार सम्यक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में लग जाता है. तो टोडरमल जी आज उपाय बता रहे हैं, तू वस्तु को जान. मैंने अभी इतना जोर लगाया, क्यों लगाया मैंने? टू नो द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल द फिजिक्स एंड ऑल द केमिस्ट्री, जितना भी है वो सब वस्तु का नेचर जानने में लगता है. ये प्लेन जो बना है, प्लेन वो ऐसे फटाफट नहीं बना, कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. एक्सपेरिमेंट होते हैं मतलब होता क्या है एक्चुअली, बताओ? एक्सपेरिमेंट होता है मतलब होता क्या है एक्चुअली, बताओ? कोई वस्तु का नेचर समझते हैं बस वे. जैसे अभी आयन की बॉडी लेके ऊपर चले गए, अरे नहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको नीचे लाओ, फिर उसको कौन सा मेटल दिया जाए, देन कंक्लूडिंगली उन्होंने सोचा एल्यूमिनियम, हाँ ये ठीक बन रहे, ठीक बन रहा है. नेचर नेचर जाना उन्होंने, सब एक 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 आजमा के देख रहे हैं वे तो नेचर समझ रहे, इंजन कैसे होगा, ये डक्ट करेंगे, ये पेट्रोल की टंकी यहाँ रखेंगे तो डीजल, वो टंकी पीछे रखना क्या, आगे रखना कि बीच में रखना, क्या होगा, तो वो तो चलता है, नेचर देखते हैं. समझ में आता है? मुझे तो अभी इतना ही कहना है, जगत की हर एक वस्तु ऐसी है और अपनी मर्यादा में रहती है, और मर्यादा में रहते हुए परिणमन करती है. कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता यहाँ पर. अभी टोडरमल जी एक महासिद्धांत यहाँ पर आज डिस्कवर करेंगे. सीधी बात ये कहेंगे, कोई किसी की टांग अड़ाता ही नहीं, कोई किसी के बीच में आता नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं. देखो, तथा इस सांसारिक एक यह उपाय है, आज उपाय की चर्चा चल रही है, ये मिथ्या तो कैसे हटे. उपाय यह है कि स्वयं को जैसा श्रद्धन है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमन करना चाहता है. यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धन हो जाए, परंतु ये उपाय ऐसा करता है कहते, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है. गेटिंग, सब समझ रहे हैं? जीव है, शरीर है, जीव शरीर का कोई परिणमन नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, नहीं करा सकता. ओके, क्यों? उसकी मर्यादा अलग है, इसकी मर्यादा अलग है, और यहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं हुआ करता वस्तु स्वरूप में. कोई किसी के बॉर्डर में और बाउंड्री में घुस के उसको कुछ करके आए, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर. तो टोडरमल जी ने इसलिए कहा, थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा उसको लगे, उसका विकल्प होने को और शरीर की ऐसी क्रिया होने को कभी वो बन जाए कोइंसिडेंस, तो उसमें वो भ्रम पालता है. समझ में आता है क्या क्या बात आई? एक फॉर्मूला बताया उन्होंने, अनादि निधन सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है, कोई वस्तु किसी
वस्तु के अधीन नहीं है और दूसरों वस्तु को परिणमन कराने का भाव ही मिथ्यात्व है। ओके, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ठीक है, ये वस्तु का नेचर बस बताया उन्होंने। वस्तु मतलब तब मान के भी चलो, अभी जैसे शरीर एक वस्तु है तो उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चलेगा, सबका सेक्टर और डिवीजन अलग अलग है, डायरेक्ट कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता। समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो टोडरमल जी कहते तो सच्चा उपाय क्या था, तो सच्चा उपाय तो यही है ना, वस्तु को जाने और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ऐसा समझे, तो ये सुखी होने का उपाय है। कहते हैं कोई मरा हो कोई जीव, उसको जिलाने का कोई कितना भी प्रयास करे तो जिएगा क्या? किसने प्रयास किया था ऐसा? आज कितने करते हैं गांव गली में ऐसे लोग, देवी के सामने रखते हैं और आठ आठ दिन, आपने पढ़ा है कभी, सुना है ऐसा, आठ आठ दिन रखा देवी के सामने, खूब भक्ति करी, अभी जिंदा हो जाए, अभी जिंदा हो जाए। अरे गायब हुआ कैसे आएगा फिर से? पत्ता जो टूटा है वो फिर से कैसे जुड़ेगा ऊपर? नया आ सकता है, ये बात दूसरी है। ये फिर अन्य परमाणु रूप होकर ये किसी और का पत्ता होगा, ये बात दूसरी है। यही तो नहीं जुड़ेगा। गौतम बुद्ध ने यही तो कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दो फिर तुम्हारे बच्चों को जिंदा कर दूंगा। क्या कहा था? ऐसे घर से लाना, लेकिन सुन, ऐसे घर से लाना। कैसे घर से लाना? जहां पर किसी का मरण नहीं हो। हाँ, आप भी ला रही हो, और ऐसा कोई घर ही नहीं मिला, घर नहीं मिला तो तुम्हारा क्या अलग होगा? नेचर है ये, जो भी आता है वो जाता है, लेकिन सुनो ये परिणमन का स्टेजेस है उसका, तुम ये भ्रम नहीं पालना। बच्चा पैदा हुआ, ये भाषा आध्यात्मिक टर्म में बिल्कुल गलत है। हुआ बच्चा, हुआ नहीं, कोई जीव बच्चा रूप परिणमा है, पूर्व पर्य का वे करके इस पर्य का उत्पाद हुआ है। कोई मरा तो सबके बीच में ये नहीं बोलना आज तो नई पद्धति चालू हुई है, इनका गत्यांतर हुआ है। कहते आपने नहीं सुना, इनका पर्याय बदल गई है, अभी वो टर्म खत्म हो गई, मरे नहीं कहना, क्योंकि कोई चीज नेवर इट कम्स गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। वो तो एक अपने अपनी यात्रा कर रहे, तो एक पर्याय खत्म होकर नहीं पर रहे, तो मेरा कुछ मरा कहकर हाथ पर पीटना नहीं फिर से, और मुझे बच्चा पैदा हुआ इसलिए कोई पेड़े लड्डू बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया कुछ भी नहीं होता, और है जो वस्तु वो कभी मिटती नहीं है, उसका परिणमन हो रहा है। जिस प्रकार कोई मरे हुए आदमी को झिलाने का प्रयास करे तो उससे बस की बात नहीं है, उसी प्रकार जो उदाहरण क्यों दिया होगा, सिद्धांत बता रहे, उसी प्रकार कोई परद्रव्य का परिणमन करना चाहे अपने अधीन, यह संभव है। अरे ये भी तो डेड बॉडी है, ये भी तुम, इसको मृतक कलेवर कहा अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में, शरीर को क्या बोला है? मृतक कलेवर को गले लगाया है, ऐसा वहां पर लिखा है। देखो पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो सच्चा उपाय क्या है? उपाय बताते हैं सुखी होने का, सच्चा उपाय क्या है? जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। पदार्थ का जैसा स्वरूप है, आया है तो जाएगा, स्कंद रूप इकट्ठा हुआ है तो बिखरेगा। ठीक है, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या झिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना, ये बहुत जन समझाते रहते, जो हो गया वो हो गया, अभी ये तो जाना ही है, सो जाओ अभी, अभी इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर कुछ नहीं बिगड़ा, फिर ऐसे भी कहते दूसरा बच्चा है ना, दूसरा बच्चा है ना, ये कहकर उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। प्रॉपरली कॉन्फिडेंस उसको देना हो तो क्या कहना चाहिए था? सुन, ये तो तुम्हारा था ही नहीं, ये जो दूसरा दिख रहा है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम तो झूठा आश्वासन देकर तुमको ये बोल रहे हैं तुम उनको कि दूसरा है ना, तो वो कहते ठीक है, तुम पॉजिटिव अप्रोच रखो, ये है ना, ये तो है ना, अभी ये दूसरा संभालेगा, क्या फर्क पड़ता है तुमको? कह रहे नहीं नहीं, उस पर भी आस नहीं लगाना, ये तो तेरा था ही नहीं, ये भी एक दिन ऐसे जाना है, अभी इससे तो शिक्षा लेना,
उस पर प्रीति जोड़ी तो आज फुट फुट कर रोने की नौबत आई, इस पे इसको दिल नहीं लगाना, समझ में आ रही? यहां पर वही गलती नहीं कर बैठना, नेचर है, ये गया है तो ये भी जाएगा, ये फिर तो ये भी जाएगा, और सुन तो तुम भी जाएगा, और सब जाने के लिए आए हैं यहां पर। क्लियर? मुझे तो बात कुछ कहने की थी, मैं कुछ रह गया कहना। हाँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खनिया धाना में एक दादाजी थे, उनका एक हार्ट टूट गया, एज थी उनकी 80, अध्यक्ष थे वैसे वहां के, तो 80 में हार्ट टूट गया तो आदमी थोड़ा ज्यादा ही डिप्रेशन में आता है, तो उनको सब कहते ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। मैं ये कहता था दादाजी को, दादाजी आप इनकी बातों में नहीं आना, मैं संबोधन करने आया हूँ आपको, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो अभी तो एक ही हाथ गया है, ये दूसरा भी हाथ जा सकता है, अभी ये तो एक एक स्पेयर आप वन आउट होंगे, वन आउट समझते हो, WRN कहते ना, वन आउट, वियर एंड टेयर इनका चालू हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएंगे ये सब, ये तो एक ये सूत्रपात है, सूत्रपात दिस इज जस्ट स्टार्ट, एक उन्होंने एक ओपनिंग की है, अभी इससे तुम समझ लेना, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, एक स्पीड ब्रेकर आया है, डेंजरस टर्न अहेड, अभी अभी तुम गाड़ी सावधानी से चलो, अपना आत्म कल्याण साधन। और हुआ ऐसा ही, फिर बाद में दिन ब दिन उनका बहुत लैप्स, बहुत हालत बिगड़ती गई, वैसे ही हुआ, हाथ पैर दोनों काम नहीं किए, सब चार चार बच्चे उठा के लाते थे देवदर्शन, फिर उनकी स्मृति भी चली गई, एक दो महीने तो ऐसे खटिए पर पड़े रहे, किसी को पहचानते नहीं थे, चले गए। हमने तुमको सावधान किया, हम जब तुमको ये कह रहे थे दादाजी इस पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना, इस ठग पर, इस ठग शरीर का अर्थ उर्दू में बदमाश होता है, तो ये बदमाश है, आप इस पर ज्यादा नहीं रिलाय करना, ये तो एक हाथ चला गया आज, दूसरा भी चला जाने वाला है, साध लो, अभी भी साध लो। तो हम जब ये कहते थे, आने वहां पर पास में खड़े लोग क्या क्या करते होंगे, रिएक्ट क्या करते होंगे, कोई अनुमान कर सकता है, कोई रिएक्ट कर सकता है? नहीं, वो ये कहते थे साहब पंडित जी अच्छा बोला आप उनको, नहीं दादाजी आप डिप्रेशन, नहीं ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये फालतू आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सच्ची दिशा मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी भी साध लो, भेद विज्ञान कर लो, समझ में आता है? मैं उसके लिए भी एक उदाहरण देता हूँ, एक कुटिया थी, कुटिया, और कुटिया का एक कोना नीचे गिर गया, तो रोज एक लड़का गुजरता था रस्ते से, तो उसने देखा आज दरवाजा नीचे कैसे आ गए, तो घुस गया अंदर और बोला दादी थोड़ा इसको ठीक कर लेना, नीचे गिर गया है। तुम हंसते हुए एक बात बोली, बेटा आज तो यही कोना गिरा है, अब तो जीर्ण शीर्ण मिटने की कब कगार पर है, इससे क्या और उम्मीद करें, आज तो यही कोना गिरा है, कल तो वो भी कोना गिरने वाला है, ये भी कोना गिरेगा, अब तुम्हें घर ही छोड़ो, समझ में आता है? सच्चा उपाय क्या है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धा हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए, ठीक है? जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, भले ही वो राम ही क्यों ना हो। नौ बल राम हुए हैं और नवों की हालत, सबने अपने अपने भाई नारायण को ढोते ढोते परेशान हुए, कोई सगे वगे भाई नहीं है ये, समझ में आता है क्या कहा? लक्ष्मण कोई सगे भाई नहीं है इनके, सगे मतलब वैसे तो सगे भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आता है? मैं क्यों कह रहा हूं ये, सभी सबके ये हाल है, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, तो जाना हो तो तुम जा सकते हो, तो सबकी ये प्रॉब्लम है कि सभी बलराम सभी अपने अपने भाई नारायणों की लाश ढोते ही है, यह राख का फल उनको भोगने मिलता है। देखो, यह जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्य दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित करने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है, भ्रम जनित दुख का उपाय।
भ्रम दूर करना ही है। इसका मतलब भ्रम जनित दुख मिटाने का उपाय भ्रम को दूर करना है, ये ऐसा अर्थ है इसका। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धन होता है, वही सत्य उपाय जानना। कुछ नहीं है ये भ्रम रोग को दूर करने की बात करते हैं। ये जो भ्रम मतलब क्या, भ्रांति, भ्रांति मतलब क्या, गलत, ऐसा वो गलत फहमी हो जाती ना, गलत फहमी, माफ करना मुझे गलत फहमी हो गई, गलत फहमी हो गई, करे तुम सच्ची बात कह रहे हो, एक बार ऐसा हुआ और एक बार जान से मार डालने को समझ लो मेरे को कोई आया और बहुत एक मैं समझ लो थोड़ा एक समझ लो एक बहुत आतंकी जैसे आदमी थे, एक अंडरवर्ल्ड टाइप, एक टीम ही पूरी और पूरा ये समझ लो मर्डर ही करने आए 10-15 जन और फिर किसने कहा उनको साधारण रूप से, फिर एक बार उनसे बात तो कर लो पहले बात कुछ नहीं करना, हमारे आदमी को परेशान किया उसको, जैसे ही आए हमारे सामने हमको गलत फहमी हो गया, हम माफ करना, हुआ क्या था, हर उनको किसी दूसरे आदमी ने कुछ बात हुई होगी, उनको कुछ ऐसा नाम सामने के कारण लगा होगा सचिन, तो वो तो थोड़ी ना मुझे भी जानते और उसको भी जानते हैं, नहीं समझे आप मेरी बात को, तो शुक्र है भैया तुम मेरे को आकर मिले, ऐसा तुम किसी के भी साथ करोगे तो कितने जनों को उजाड़ोगे तुम संसार, एक गलत फहमी कितनी महंगी पड़ जाती, गलत फहमी कितनी महंगी पड़ जाती, तो इतना वो शर्मिंदा हो गया, वो लाइफ भर पूरा लाइफ भर जितना रहा बार बार मिलने आता था, कोई समस्या हो बता देना, समस्या हो बता देना, और 2-4-5 प्रॉब्लम आए बड़े बड़े मेरे लाइफ में, झटके में निपटा दिया उसने, झटके में एक सेकंड नहीं लगा, मतलब बड़ा आदमी, अब उसको क्या गिल्टी फीलिंग है, बहुत बड़ी गलती, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो जाती लाइफ में, कहते मैं तो बिना देखे सब साफ करने वाला था, तो मैंने तो इतना ही कहा, हमारे तो जो होता सो होता, मैंने कहा कितने जनों के जीवन उजाड़ोगे ऐसा, तुमको विवेक रखना चाहिए ना दिमाग का, गलत फहमी कितनी बड़ी चीज है, समझ में आ रहा है क्या कहा बहुत होता है ऐसे तो गलत फहमी में बहुत होता है, कोई पुलिस एक ब्रांच एक चोर को पकड़ने जा रही थी, चोर के एक ब्रांच को, अब पुलिस ने सोचा कि हम सिविल ड्रेस में चले जाए, नॉर्मल ड्रेस में विदाउट यूनिफॉर्म, तो डायरेक्ट हम उस पर अटैक कर सकेंगे, क्यों हमको कोई पहचान नहीं पाए पुलिस, अब उनको ट्रेस लग गया, तो वे तो क्या ट्रेस लग गया, वे तो दुनिया को ठगने के लिए वे पुलिस का भेष बनाकर बैठे थे, अब आमना सामना हुआ, एनकाउंटर चालू हुआ, अब कल्पना कर सकते किनका सपोर्ट किया होगा पब्लिक ने, ओहो आप समझ रहे क्या मेरी बात को, थोड़ी गलत फहमी पूरी मिशन को ही मिटा देगी ना, तुम यहां का वहां कैसे थीर लगा दिया तुमने, तो कहते टोडर मुझे कहते इतना सा भी भ्रम होगा ना कि इसने इसका कुछ किया, इसने पूरा जीवन लगा देगा दाव पर, ना कष्ट सह कर भी उनका भला चाहता है, समझ में आया, 125 करोड़ को मिटाने की कीमत पर भी उन 4-5 को उन 125 करोड़ की कीमत पर भी उन 5 को जिंदा रखना चाहता है, उन सबको लूट कर भी इनको आबाद करना चाहता है, उनको बर्बाद करके भी इनको आबाद करना चाहता है, वही सत्य उपाय जानना। टोडरमल जी ने इतने डिसीजन पर आए हैं कि भ्रम को मिटाना, कल प्रकरण चलाएंगे चरित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। ओम नमः।